गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का सैनिक मेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में नंबर द नाउन नंबर जो टॉपिक है वो करेंगे। नाउन नंबर में देखो बच्चों क्या होता है, हमारा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए भी, सैनिक मिलिट्री सभी में, सभी एग्जाम में ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। तो जल्दी से भाई एक बार सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़े, जल्दी से फटाफट एक बार सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़े। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो बच्चों, जो नंबर का टॉपिक है आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर में, ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एजुकेशन के साथ साथ ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कि मान लो कि जब हम कभी भी मार्केट में जाते हैं, हमें कोई भी सामान खरीदना है, हम एक चीज़ ले रहे हैं या एक से ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमें किसी भी शॉप से एक पेन लेना है या बहुत सारे पेन लेने हैं, तो हम पेन और पेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, तो आज इसमें नंबर में क्या क्या टाइप आती हैं, कौन कौन से मेन मेन इसके पॉइंट होंगे, वो सारे क्लियर किए जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में बच्चों हम सभी जो हैं इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़े, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं भैया एक बार जल्दी से सभी क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। गुड इवनिंग वंश, जल्दी से बेटा एक बार क्लास को शेयर करो ताकि हमारी क्लास के साथ जितने भी बच्चे जुड़ते हैं लाइव, वो सभी बच्चे जुड़ जाएँ। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नाउन नंबर आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों, और ये हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता है। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें, और साथ के साथ जो जो काम जो है बोर्ड पर नोट करवाया जाएगा आप सभी को वो नोट करना है साथ के साथ। ठीक है बच्चों, तो नाउन के बारे में हम पहले कर चुके हैं कि नाउन क्या होती है। नाउन के पार्ट अभी हमने कर लिए थे पिछली इंग्लिश की जो वीडियो हुई थी हमारी। आज हमें नाउन नंबर वाला टॉपिक करना है बच्चों। तो हमारी नाउन जो है बच्चों, देखो इसमें कितने टाइप की होगी, फोर टाइप की होगी। नाउन नंबर फोर टाइप के होंगे इसमें, लेकिन हमारा आज का फोकस सिर्फ दो पे रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल पे। और इनसे रिलेटेड जो जो प्रोसेस होगी या जो जो रूल आएंगे वो सभी हम आज करेंगे इसमें। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ें ताकि हमारी क्लास जो है वो हम आगे बढ़ाएं। जल्दी से जुड़े भाई सभी बच्चे एक बार। देखो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा नाउन से ही स्टार्ट होते हैं, और बाकी जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो नाउन के आगे जो टॉपिक आते रहेंगे हमारे, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल है। टेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए सभी बच्चे जो है इसको ध्यान से देखें भाई। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। सभी बच्चे एक बार कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन करेंगे, आप सभी को वो नोट करनी है, और उसके बाद इसके रूल हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे हमारे रूल जो है इसमें नंबर्स को चेंज करने में आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौन कौन, सभी बच्चे, श्याम जुड़ चुका है, वंश, रेखा शर्मा के नाम से कौन है भाई, सभी बच्चे एक बार अपना नाम लिखें, विराज, मयंक, प्रिंस, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, लक्ष्य भविष्य गुड इवनिंग बेटा, खुशी ऋषभ गुड इवनिंग, एक बार सभी बच्चे अपना नाम साथ में लिखें जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास के साथ। चलो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं नाउन की, नाउन नंबर की। साथ के साथ आप सभी को ये कॉपी में अपने नोट करते जाना है भाई। नाउन नंबर, तो देखो बच्चों नाउन नंबर क्या होता है। नंबर्स बड़ा नंबर
tells us about the noun number, tells us about the noun is just one or more than one, or more than one. अब देखो बच्चों इसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी में इसको कैसे हम याद करेंगे कि नंबर जो है वो हमें ये बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं कि वो सिर्फ एक है या फिर एक से ज़्यादा है. ठीक है, नंबर टेल्स अस अबाउट द नाउन इज जस्ट वन और मोर देन वन. जल्दी से सभी बच्चे जो डेफिनेशन करवाए जा रहे हैं वो नोट करते चले भाई सभी के सभी. आगे देखो बच्चों, नंबर क्या होते हैं, नाउन नंबर क्या होते हैं. नंबर टेल्स अस अबाउट द नाउन इज जस्ट वन और मोर देन वन. नंबर वो होते हैं जो हमें नाउन के एक या एक से अधिक होने के बारे में बताएंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, नाउन नंबर कहलाएंगे. ठीक है, तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो नंबर्स होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं. देयर आर फोर टाइप ऑफ नंबर. There are four types of number. साथ के साथ सभी बच्चे नोट करते चले भी, जो जो डेफिनेशन अभी करवाई जा रही है आप सभी को वो साथ के साथ नोट करते चलना है. ठीक है बच्चों, चलो भी नेक्स्ट करते हैं. जो हमारे चार टाइप होंगे बच्चों उनमें से आज हम सिर्फ ऊपर वाले पहले वाले जो दो हैं वही करेंगे. सबसे पहला हमारा देखो कौन सा होता है, सिंगुलर नाउन. क्या होगा बच्चों, सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन में देखो भाई, सिंगुलर नाउन का हिंदी में मीनिंग क्या होगा बच्चों, एक वचन संज्ञा. एक वचन संज्ञा. सभी बच्चे साथ के साथ जो जो काम या जो जो डेफिनेशन लिखवाई जा रही हैं आप सभी को साथ के साथ नोट करते चलना है. और अगर कोई भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है तो बेटा आप सभी कमेंट कर सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा वो साथ के साथ क्लियर किया जाएगा. ठीक है बच्चों, तो देखो भाई सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी. इफ़ द नाउन इज, If the noun is just one, if the noun is just one in number, फिर यहाँ पर बच्चों हमें कोमा लगाना है छोटा सा. It is singular. It is singular. अब देखो बच्चों इसका मीनिंग क्या होगा, कि यदि कोई भी नाउन संख्या में क्या हो, एक हो. इफ द नाउन इज जस्ट वन इन नंबर इट इज सिंगुलर. अगर कोई भी संख्या जो है संख्या में क्या हो, एक हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे. क्या बोलेंगे भाई, सिंगुलर. और सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन. जैसे कि एग्जाम्पल लिखो सभी इसके साथ साथ, क्या क्या होंगे एग्जाम्पल इसके, जैसे कि काउ है, बॉय, चेयर, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, प्लेस, रेडियो एटसेट्रा, और भी इससे आगे बहुत सारे हो सकते हैं. तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है. देखो भाई, If the noun is just one in number, it is singular. अगर कोई भी noun जो है संख्या में क्या हो बच्चों, एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, singular noun बोलेंगे. जैसे कि cow है, boy है, chair है, place है और radio है. ये सभी क्या है यहाँ पर बच्चों, singular noun है. क्या है ये सभी, singular noun है. अब इसके बाद हमें करना है भाई plural noun. इसके बाद क्या करना है, plural noun.
प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का देखो बच्चों हिंदी में मीनिंग क्या होगा, बहुवचन संज्ञा, या बहुवचन लिख लो खाली, बहुवचन। प्लूरल मीन्स क्या होगा, बहुवचन। अब इसकी डेफिनेशन देखो बच्चों क्या होगी, देखो प्लूरल में हमेशा जो एक से अधिक जितनी भी चीज़ें होंगी या जितनी भी नाउन होंगी वो सभी किस में आएंगी, प्लूरल नाउन में आएगी, ठीक है। इफ द नाउन इज मोर देन वन, फिर कोमा लगाएंगे बच्चों यहां पर, इट इज प्लूरल। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, इफ द नाउन इज मोर देन वन, अगर जो संज्ञा है वो एक से ज्यादा हो, मोर का मतलब क्या होगा बच्चों, एक से ज्यादा हो, तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड प्लूरल, वो सभी क्या होंगे, प्लूरल होंगे। एग्जाम्पल देखो इसके क्या, कौन कौन से होंगे एग्जाम्पल इसके, अगर कोई भी नाउन जो है एक से ज्यादा होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने पीछे सिंगुलर में लिखा था काओ, मींस एक गाय हुई, और इसके पीछे अगर हम एस लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, काउस, गायें। बॉय के पीछे अगर हम एस लगाएं तो क्या बन जाएगा, बॉयज, लड़के। प्लेस जो हमने स्थान के लिए यूज किया था वर्ड, उसके पीछे भी एस लगाने से क्या बन जाएगा, प्लेसेस। और रेडियो को भी अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसके पीछे भी क्या लगाएंगे बच्चों, एस लगाएंगे, रेडियोज एटसेट्रा, ठीक है भाई। क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया हो तो आप सभी पूछ सकते हैं भाई, इन सभी वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर आप सभी के समझ में नहीं आया हो मीनिंग तो आप सभी पूछ सकते हैं। अब तीसरा टाइप देखो बच्चों हमारा कौन सा होता है, नोट कर लिया सभी ने, नेक्स्ट देखो अभी, थर्ड हमारा होगा काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। अब देखो बच्चों काउंटेबल, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, जिसको हम गिन सकते हैं वो कौन सी नाउन होगी बच्चों, काउंटेबल नाउन होगी, ठीक है। ऐसी नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उस नाउन को क्या बोलेंगे बच्चों, काउंटेबल नाउन। डेफिनेशन देखो इसकी क्या होगी, नाउन दैट कैन बी, नाउन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड इन नंबर, नाउन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। ऐसी नाउन जिसको हम नंबर में, संख्या में बता सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, काउंटेबल नाउन बोलेंगे, ठीक है। नाउन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड का मतलब देखो क्या होगा, बताना, एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होगा, मीनिंग यहाँ पर बताना, जिसको हम बता सकते हैं, किस में बता सकते हैं, संख्या में, गिनती में बता सकते हैं, नंबर में बता सकते हैं, वो नाउन क्या कहलाएगी बच्चों, काउंटेबल नाउन, क्या कहलाएगी, काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं भाई एग्जाम्पल में, एक काओ, एक काओ का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक गाय, क्या होगा, एक गाय। अब अगर हमारे पास पांच गाय हैं तो क्या लिखेंगे, फाइव काउज, फाइव काउज, हमारे पास कितनी गाय हैं, पांच गाय हैं। तो जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सभी नाउन क्या कहलाएगी, काउंटेबल नाउन कहलाएगी। क्या इतना सभी को क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है बच्चों टाइप, वो होगा क्या, अनकाउंटेबल नाउन, क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाम। अब देखो बच्चों, अनकाउंटेबल इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते वो नाउन क्या कहलाएगी? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। ठीक है, जिसकी हम मात्रा बता सकते हैं, जैसे कि मेरे पास थोड़ा पानी है या मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, उसके पास थोड़े कपड़े हैं, ऐसा कुछ भी वर्ड जिसके आगे हम कुछ या थोड़ा, जैसे कि सम या लिटल, मोर, ऐसे वर्ड का यूज करेंगे वो सभी कौन सी नाउन होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है, अब ऐसी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नाउन दैट कैन बी, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, नाउन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों, हम इतना ही लिखेंगे, आगे अंडरस्टूड है। अब एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या क्या होंगे एग्जाम्पल इसके, जैसे कि सम वॉटर, सम वॉटर, कुछ पानी या थोड़ा पानी, लिटल मिल्क, थोड़ा सा दूध। अब ये जो चीजें हैं, ये देखो बच्चों, इनको हम, जैसे पानी है, दूध है, इन सभी को हम गिन नहीं सकते, नंबर में हम इनको नहीं बता सकते, जैसे कि एक दूध है, दो दूध है, या एक पानी है, दो पानी है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। ये कह सकते हैं कि इतना लीटर पानी है, इतना लीटर दूध है। ठीक है, तो ऐसी नाउन जिसको हम नंबर में नहीं बता सकते वो कौन सी नाउन कहलाएगी? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन होगी? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने इतना? अब देखो भाई, अब हम करेंगे सिंगुलर और प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, साथ के साथ आप सभी को नोट करते चलने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होंगे आज जितने भी करवाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो बच्चों क्या होगा कि किसी भी नाउन को हम एक वचन से बहुवचन या सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में या जिसके अंत में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो बच्चों? कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्यंजन। ऐसे नाउन जिसके अंत में कॉन्सोनेंट हो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे हम? उसे प्लूरल बनाने के लिए हम एस का यूज करेंगे बच्चों। किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। ठीक है, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। अब देखो, जैसे कि इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, जैसे है कि बच्चों एक्टर, एक्टर, एक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? अभिनेता। क्या होता है? अभिनेता या कलाकार। इसका मीनिंग साथ के साथ लिख लेना भाई, एक्टर का मतलब क्या होता है? कलाकार या अभिनेता। इसको प्लूरल बनाएंगे बच्चों कैसे? एक्टर्स। अगला लिखो कैमल। कैमल मीन्स क्या होता है बच्चों? ऊंट। क्या होता है? ऊंट। और इसको प्लूरल बनाने के लिए भी क्या लगाएंगे हम? लास्ट में एस लगाएंगे। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर दो आपको एग्जांपल लिखाए हैं, इन दोनों के लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट आया है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसीलिए इन सभी को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? इनके लास्ट में एस का यूज करेंगे, और एस लगाने के बाद ये एक वचन से क्या हो जाएंगे बच्चों? बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लो भाई, जैसे कि है गोट। गोट मीन्स क्या होता है?
बकरी, गोट मींस क्या होता है? बकरी। इसको भी अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो क्या लिखेंगे? गोट्स, बकरियां। क्या हो जाएगा? बकरियां। ठीक है भाई, ये तो था हमारा बिल्कुल सिंपल, जिनके लास्ट में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? एस का यूज करेंगे। अब इसके बाद से जितने भी रूल स्टार्ट होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। रूल नंबर सेकंड, सभी बच्चे ध्यान से देखें एक बार। रूल नंबर सेकंड देखो बच्चों, ऐसे नाउन, ऐसे नाउन, बातें नहीं, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में, जिसके लास्ट में क्या क्या चीजें आई है बच्चों? एस आया हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ठीक है, एक्स हो या फिर जेड हो, जिन भी वर्ड के लास्ट में या ऐसे नाउन जिनके लास्ट में क्या क्या आया हो, एस आया हो, डबल एस आया हो, सी एच आया हो, एस एच आया हो, एक्स आया हो या जेड आया हो, तो उन सभी को प्लूरल बनाने के लिए तो ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए, ऐसे शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए ES का यूज करेंगे। देखो हमने पहले क्या किसका यूज किया था? अकेला S का यूज किया था, लेकिन ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में S, डबल S, सी एच, एस एच, एक्स और Z आया हो, उन सभी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ES का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? ES का। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड होंगे सभी को ध्यान से देखना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका गैस। गैस के लास्ट में देखो बच्चों क्या आया है? सिंगल एस आया है। क्या आया है? सिंगल एस। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे? गैस का मीनिंग क्या होता है? गैस ही होता है, गैसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैसेस। अब अगला मैं यहाँ पर वर्ड लिख रही हूँ, जल्दी से आप सभी को बताना है कि इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके पीछे क्या लगेगा? बस, बी यू एस, बस को प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे? जल्दी से बताओ भाई। बस के लास्ट में देखो एस आया है, सिंगल एस आया है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसके आगे और मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, जल्दी से सभी बच्चे इनका प्लूरल बना के भेजे भाई, जल्दी से कमेंट में बताओ आप सभी इनका प्लूरल क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई सभी बच्चे इनका प्लूरल फॉर्म में चेंज करके बताएं जल्दी से कि इनका प्लूरल कैसे बनाओगे। जल्दी बताओ भाई, जल्दी। अब देखो इन सभी का मीनिंग मैं आप सभी को बता रही हूँ। गैस का गैस होगा, बस का भी बस ही आएगा। फोक्स मीन्स क्या होता है बच्चों? लोमड़ होता है। फोक्स मीन्स क्या होता है? लोमड़। बेंच मीन्स भी क्या होगा? बेंच मीन्स क्या होगा बच्चों? बेंच ही होगा, जो डेस्क जैसे यूज करते हैं हम क्लास में बैठने के लिए, वैसे ही। और अगला देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्लास। ग्लास मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों? शीशा है, ठीक है। अगला क्या है? डिश, जैसे कि हमारी प्लेट होती है, हिंदी में इसका मीनिंग वैसे तस्तरी होगा, लेकिन प्लेट भी हम आम लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं। उसके बाद है बच्चों मैच। मैच का मतलब क्या होता है? मिलान करना। मैच का मतलब क्या होता है? मिलान करना। जल्दी से बताएं भी इनका प्लूरल बनाएं। सबसे पहले आंसर दिया है भाई लक्की और एंजल ने, ठीक है। लक्ष्य भविष्य का भी सही है भाई। वंश, हर्ष, विराज, साक्षी,
वेरी गुड भाई, सभी बच्चों को, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इन सभी के लास्ट में वही क्या लगा हुआ है, इनके लास्ट में सिंगल एस आया है, इसके लास्ट में एक्स आया है, इनके बेंच के लास्ट में सी एच आया है, मैच के लास्ट में भी क्या है बच्चों, सी एच है, डिश के लास्ट में एस एच है और ग्लास के लास्ट में डबल एस है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी नाउन जिनके लास्ट में ये सभी अल्फाबेट आते हैं, उन सभी को प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। क्या ये जो रूल है वो सभी को समझ में आ गया, सभी को याद रखना है, लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे तब तक सभी को ये याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। और घर पर जब वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सभी को प्रैक्टिस करनी है बैठ के इसकी। रूल नंबर थर्ड देखो भाई, रूल नंबर थर्ड क्या होगा, सेकंड रूल जो है सभी बच्चों को समझ में आ गया है, इसके बाद ही हम नेक्स्ट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताएं क्या सेकंड रूल सभी को समझ में आ गया है। नव्या ने सभी के आंसर भेजे हैं भाई, वेरी गुड नव्या, शाबाश श्याम, वेरी गुड जितेंद्र, देव वेरी गुड, ओके भाई। चलो हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखो भाई, जिन नाउन के लास्ट में या ऐसे नाउन या जिन नाउन के लास्ट में, जिन नाउन के लास्ट में वाई हो, वाई आया हो, जिन नाउन के लास्ट में वाई आया हो और वाई से पहले, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हो, क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हो। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है बच्चों, व्यंजन, कॉन्सोनेंट आया हो तो ऐसी नाउन बच्चों जिसके लास्ट में क्या आया हो, वाई आया हो और वाई से पहले क्या आया बच्चों, कॉन्सोनेंट आया हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए सभी बच्चे साथ के साथ रूल को नोट करेंगे भाई, जितने भी रूल्स जो है करवाए जा रहे हैं सभी बच्चे साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई भी नाउन जिसके लास्ट में वाई आया हो और वाई से पहले क्या आया हो बच्चों, कॉन्सोनेंट आया हो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का यूज करेंगे, किसका करेंगे, ई एस का, ई एस का यूज करेंगे। और वाई को आई में बदलेंगे, और y को किस में बदलेंगे, i में बदलेंगे, और y को i में बदलेंगे। ये रूल सभी बच्चे ध्यान से समझना, क्योंकि इसी रूल से दो रूल बनेंगे। ध्यान देना भाई एक बार सभी, कि ऐसी कोई भी नाउन, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में वाई आया हो और वाई से जस्ट पहले क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, क्या आया हो, कॉन्सोनेंट, तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस वाई को तो आई में बदल देंगे और तो देखो बच्चों उस y को किसमें बदलेंगे, i में बदलेंगे और es का प्रयोग करेंगे। अब देखो अगले कौन कौन से ऐसे वर्ड होंगे जिनमें लास्ट में y आया है और y से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। एग्जाम्पल देखें भाई सभी बच्चे एक बार। सबसे पहला हमारा वर्ड है बच्चों आर्मी, क्या है, आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होती है बच्चों, सेना। अब आर्मी में देखे भाई लास्ट में क्या आया है, वाई आया है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट एम आया हुआ है, ठीक है। तो इस वर्ड को अगर हम किस में बदलेंगे, प्लूरल में बदलेंगे, तो वाई का क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा,
वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आर्मीज। क्या बन जाएगा बच्चों, आर्मीज। वेरी गुड एंजल, वेरी गुड भाई साक्षी, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। अब ऐसा ही एक मैं शब्द लिख रही हूँ यहाँ पर, फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है, मक्खी। जल्दी से इसका प्लूरल बनाओ भाई सभी, फ्लाई मीन्स क्या होता है, मक्खी। जल्दी से इस वर्ड का प्लूरल बनाओ, क्या बनेगा जल्दी से बताएं भाई, फ्लाई का प्लूरल क्या बनेगा जल्दी से बताएं सभी। अब देखो बच्चों, फ्लाई में लास्ट में क्या आया है, वाई आया है, लास्ट में क्या आया है, वाई आया है, और वाई से पहले क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट आया है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो एफ एल वाई को किसमें बदलेंगे, आई में, और बाद में क्या लगाएंगे, ई एस, फ्लाइज। क्या हो जाएगा, फ्लाइज। सबसे पहले आंसर दिया है भाई लकी एंजल, जितेंद्र, साक्षी दैया, ठीक है भाई। सभी बच्चे एक बार, जिन बच्चों का नाम नहीं शो हो रहा है वो नाम लिख दे साथ के साथ, ताकि मैं आप सभी का नाम जो है वो अनाउंस कर सकूं। विराज वेरी गुड बेटा, दीप प्राशर के नाम से कौन है भाई, अपना नाम लिखिए जल्दी से। पूनम रोहिला, खुशी ऋषभ, दीपेश वेरी गुड, ओजस वेरी गुड भाई। अगला वर्ड देखो इसी में, जैसे कि हमारा सिटी। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिटी वर्ड जो है वो कई बार पूछा जाता है, सिटी वर्ड। सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, शहर। सिटी का मतलब क्या होता है, शहर। जल्दी से इसका प्लूरल बनाए, क्या आएगा, और इसके अलावा आ सकता है लेडी, एल ए डी वाई, लेडी। लेडी का प्लूरल बनाए जल्दी से सभी बच्चे। लेडी का मीनिंग क्या होगा बच्चों, स्त्री या महिला, स्त्री या महिला। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। चलो, क्या ये सभी को समझ में आया, ऐसी कोई भी नाउन या ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में वाई आया हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों, हम ई एस लगाएंगे, ठीक है। कितने रूल हो चुके हैं हमारे, तीन रूल हो चुके हैं। अब जल्दी से अगला देखो भाई, ऐसा ऐसी नाउन जिसके लास्ट में वाई आया हो, ऐसे ऐसी नाउन जिसके लास्ट में, ऐसी नाउन जिसके लास्ट में वाई आया हो, क्या आया बच्चों, वाई आया हो। देखो बच्चों, हमने जो अभी से पहला रूल किया है वो इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही अंतर है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी नाउन जिसके लास्ट में क्या आया हो, वाई आए या वाई आया हो, और इससे पहले, और इससे पहले वोवल आई हो, क्या आई हो बच्चों, वोवल। अब देखो भैया, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हमने पहले क्लास में कॉन्सोनेंट और वोवल के बारे में पहले जिक्र कर लिया था, दोबारा से मैं आप सभी को बता रही हूँ कि हमारे जो 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें 5 हमारी क्या होती हैं बच्चों, वोवल होती हैं। 5 क्या होती हैं, वोवल्स होती हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है भाई। और इन सभी पांचों को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फाबेट बचते हैं वो सभी क्या होंगे, हमारे कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसी नाउन जिसके लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या आया हो बच्चों, वोवल आया हो, ठीक है, वोवल हो, तो उसे प्लूरल बनाते समय, तो उसे प्लूरल बनाते समय तो उसे प्लूरल बनाते समय हम किसका यूज करेंगे बच्चों, अकेले एस का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। एस का यूज करेंगे। अब देखो भाई,
ध्यान दो, पहला हमारा जो रूल था उसमें हमने ये बात कही थी कि ऐसे नाउन जिसके लास्ट में क्या हो, वाई आया हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का यूज करेंगे और वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन इस रूल में क्या है, ऐसी नाउन जिसके लास्ट में वाई आया हो लेकिन वाई से पहले क्या हो बच्चों, वोवल हो, कॉन्सोनेंट ना हो, वोवल हो, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम सिंगल एस का यूज करेंगे और वाई एज इट इज बना रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बॉय, बी ओ बॉय। अब इसमें वाई से पहले देखो क्या आया है बच्चों, ओ आया है, और ओ क्या होती है हमारी, वोवल होती है, कॉन्सोनेंट नहीं होता। ठीक है, बॉय में इस क्या होता है, लड़का होता है, और इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बॉयज। अकेला एस लगाना, हमें वाई में कोई भी बदलाव नहीं करना है। वेरी गुड भैया, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, वेरी गुड, शाबाश, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगला देखे भाई, इसी में जैसे कि एक वर्ड और आता है हमारा की मीन्स क्या होता है बच्चों, चाबी या कुंजी। अब इसमें देखो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इसमें भी किसका यूज करेंगे हम, एस का यूज करेंगे। अब आप सभी के लिए मैं यहाँ पर चार एग्जाम्पल लिख रही हूँ, इसमें मिक्स दोनों जो रूल थे हमारे थर्ड और फोर्थ उसके एग्जाम्पल होंगे, आप सभी को उनका अलग अलग आंसर देना होगा। ठीक है, मिक्स अब आएंगे, ध्यान से सुने भाई सभी। चलो स्टोरी, स्टोरी जो वर्ड है बच्चों कई बार पूछा जाता है, स्टोरी वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कहानी। जल्दी से इसका प्लूरल बताएं क्या आएगा। ठीक है, और एक है डे, डी ए वाई, डे। डे मीन्स क्या होगा, दिन। जल्दी से इनका प्लूरल बना के बताएं भाई, देखते हैं कौन सबसे पहले इनका आंसर देता है, जल्दी से बताएं सभी। लक्की और एंजल, ये एंजल चावरिया के नाम से एंजल ही है या लक्की है, अपना नाम बताओ बेटा। जितेंद्र, वेरी गुड। सरोज फ्रांट के नाम से कौन है, अपना नाम बताएं भाई। देव, वेरी गुड। जितेंद्र, साक्षी, यस, वेरी गुड। डेज, वेरी गुड भाई, सही है। साक्षी दैया, सभी का बिल्कुल सही है, विराज का भी आंसर बिल्कुल सही है। देव, देव गंगास के नाम से जो बच्चा है उसने डे का गलत बनाया बच्चों, डे में क्या आएगा, अकेला ऐसा आएगा क्योंकि इसमें वाई से जस्ट पहले क्या आया है बच्चों, वोल आया है। ठीक है, तो वोल वाला जो वर्ड होगा इसमें क्या आएगा बच्चों, हम अकेला एस का यूज करेंगे। समझ में आया सभी को ये वाला? ठीक है, अगले दो वर्ड और देखो जल्दी से सभी। एक है हमारा ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्तव्य। और दूसरा है हमारा प्ले, प्ले मीन्स देखो वैसे तो खेलना होता है गेम, अगर हम गेम की बात करें, लेकिन यहाँ पर प्ले जो है नाउन है तो इसे हम क्या कहेंगे, नाटक। प्ले मीन्स यहाँ पर क्या है, नाटक। जल्दी से इनका मीनिंग बताएं, जल्दी से इनका प्लूरल बताएं भाई, क्या आएगा आंसर, आंसर बताओ भाई। मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है लक्की ने, लक्की एंजल, साक्षी दैया, हर्ष, प्रिंस, मयंक, वेरी गुड भाई, विराज, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है भाई, वेरी गुड, शाबाश भाई सभी को, सभी बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वेरी गुड भाई सभी को। क्या अब तक जो हमारे फोर रूल हुए हैं सभी को समझ में आ गए हैं, जल्दी से यस लिख के कमेंट करें। अगर इन चारों में से कोई भी रूल जो आपके समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं, फिर उसके बाद देन हम अगले रूल पे चलेंगे, जल्दी बताओ भाई सभी। तो देखो भाई अब नेक्स्ट लिखते हैं, चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला हमारा रूल है 5। इसमें हमें क्या करना है, ऐसी नाउन या जिन नाउन के लास्ट में
जिन नाउन के लास्ट में ओ आए, क्या है बच्चों? ओ जो हमारी वोवल है, ओ आए, और इससे पहले, कॉन्सोनेंट होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, और इससे पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आया हो तो इसे प्लूरल बनाने के लिए अंत में ईएस का यूज करेंगे। तो इसे प्लूरल बनाने के लिए, हम ईएस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? ईएस का, ई और एस का यूज होगा। समझ में आया भाई सभी को? वेरी गुड भाई सभी। आगे देखो अगला जो हमारा रूल फाइव क्या कहता है कि जिन नाउन के लास्ट में क्या आया हो, ओ आया हो, और इससे पहले क्या हो बच्चों? कॉन्सोनेंट आया हो। कॉन्सोनेंट के बारे में पहले बता चुके हैं आप सभी को, क्या होता है कॉन्सोनेंट? व्यंजन होता है, ठीक है? व्यंजन आया हो या कॉन्सोनेंट आया हो तो उन सभी को प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ईएस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ईएस का यूज करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जल्दी से देखो भाई। एक तो सिंपल जो आप सभी क्लासेस में यूज करते हो, मैंगो, MANGO, मैंगो। अब इसमें देखो बच्चों, मैंगो में लास्ट में क्या आया है? ओ आया है, जो हमारा क्या है? वोवल है। और इससे जस्ट पहले क्या आया है? जी, जो कि क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है? तो ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ओ आया है और उससे पहले क्या आया है बच्चों? कॉन्सोनेंट आया है, तो ऐसे वर्ड को हम प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ किसका यूज करेंगे? ई एस का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ई एस का यूज करेंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? अब आप सभी को वर्ड दिए जाएंगे, जल्दी से सभी को आंसर सेंड करना है। देखो भाई, टोमेटो, जल्दी से बनाए भी सभी। हीरो, जल्दी से आंसर बताएं भी सभी। हीरो का मतलब क्या होता है बच्चों? नायक। जैसे कि किसी भी मूवी के अंदर जो हीरो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नायक कहलाते हैं। जल्दी से बताएं क्या आएगा। टमेटोज सबसे पहले आंसर भेजा भाई जितेंद्र, रोहित, साक्षी दहिया, जितेंद्र, लकी एंजल, ठीक है भाई। अंतिम सांगवान के नाम से कौन है भाई? लक्ष्य भविष्य है शायद, लक्ष्य भविष्य, वेरी गुड बेटा। ओजस, शाबाश, देव, खुशी, ऋषभ, विराज, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को आई होप ये रूल भी समझ में आ चुका है। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो हमारे क्या होंगे? अपवाद होंगे, ठीक है? अपवाद हमने हिंदी में भी एक बार, मैंने आप सभी के आगे ये वर्ड का यूज किया था। अपवाद का मतलब देखो बच्चों क्या होता है? ऐसे वर्ड जो हमारे रूल के अगेंस्ट हो, ठीक है? ऐसे वर्ड जो हमारे रूल के अगेंस्ट हो, उनके ऊपर हमारा रूल जो है वो फॉलो नहीं होता, वो वर्ड क्या कहलाएंगे? हमारे अपवाद कहलाएंगे। एक्सेप्शन इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जिनके ऊपर हमारा जो ये रूल है वो काम नहीं करेगा? तो देखो बच्चों, जैसे कि हम एक वर्ड आता है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों? चित्र। अब जो फोटो है देखो, इसके लास्ट में क्या आया है? ओ आया है बच्चों, क्या है? ओ है, और इससे जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसके लास्ट में हम ई एस का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? एस का करते हैं बच्चों। तो ये क्या है? हमारे रूल का एक अपवाद है, ठीक है? क्या आएगा इसके पीछे? सिंगल एस आएगा इसको प्लूरल बनाने के लिए, फोटोज। एक और वर्ड है जीरो। जीरो में भी देखो बच्चों, लास्ट में ओ आया है और उससे जस्ट पहले क्या आया है? आर आया है, जो कि क्या है? एक कॉन्सोनेंट है।
तो इसे भी प्लूरल बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ईएस का यूज नहीं करेंगे। इसमें भी क्या आएगा? सिंगल एस आएगा। और जीरो का मतलब क्या होता है? शून्य। ठीक है भाई, ऐसे तीन चार और शब्द हैं हमारे, जैसे कि डायनमो है। क्या है? डायनमो। यही शब्द है जो आपके यूज में आएंगे। ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम प्लूरल बनाते समय इनके लास्ट में ईएस का यूज नहीं करेंगे, ऐसा अकेला आएगा भाई। ठीक है, तो ये वर्ड जो है आप स्पेशली नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि एग्जामिनर अगर एग्जाम को टफ बनाने की अगर उसकी इच्छा होगी तो वो ऐसे ही वर्ड को देगा बच्चों, क्योंकि सिंपल जो है वो सभी कर लेते हैं और जो टफ वर्ड होते हैं वही बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें इजी और टफ जो है दोनों साथ में लेके चलने हैं। आप सभी जो है अपनी नोटबुक में इन सभी वर्ड को नोट कर लेना साथ के साथ। ओके भी, अब देखो, अब हमारा अगला रूल आता है, रूल नंबर 6। इसमें क्या होगा बच्चों? देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखें भाई, कि ऐसी नाउन जिसके अंत में, ऐसे नाउन जिसके अंत में या जिसके लास्ट में, ऐसी नाउन जिसके लास्ट में डबल हमारा क्या आए? डबल वोवल आए, डबल वोवल आए। ऐसी नाउन जिसके लास्ट में डबल वोवल आए तो उनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें सिंगल एस का यूज करेंगे बच्चों। किसका यूज करेंगे? सिंगल एस का यूज करेंगे। इसे प्लूरल बनाने के लिए, इसे प्लूरल बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? हम सिंगल एस का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे कौन से वर्ड होंगे जिनके लास्ट में हमेशा क्या आते हैं? डबल वोवल आते हैं। तो ध्यान से देखें भाई, सभी ऐसे कौन कौन से वर्ड होंगे, जैसे कि आता है हमारा जू। जू मीन्स क्या होता है बच्चों? चिड़ियाघर। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। अब इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो देखो इसके लास्ट में क्या आया? डबल वोवल आ गए ना, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में क्या लगाएंगे? सिंगल एस लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे? सिंगल एस। ठीक है, जितने भी बच्चे, एक बार 2 सेकंड का आप सभी को मैं रेस्ट देती हूँ, जितने बच्चे हमारी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई सभी। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक और शेयर करें सभी। अगला वर्ड देखो बच्चों, वो का मीनिंग देखो क्या होता है बच्चों? एक नया वर्ड आया है, इसका मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख। अब इस वर्ड के लास्ट में भी देखो बच्चों क्या आया है? डबल वोवल आया है। सेम नहीं आया है लेकिन अलग अलग वोवल हैं। ठीक है, फिर भी इसको हम प्लूरल बनाने के लिए इसके लास्ट में किसका यूज करेंगे? सिंगल एस का यूज करेंगे बच्चों। किसका करेंगे? सिंगल एस का। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल जैसे कि है बी। बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी। फ्लाई मीन्स तो देखो बच्चों घरेलू मक्खी होते हैं, लेकिन बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी होता है बच्चों। तो बी का क्या आएगा बच्चों? बीज। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया है? डबल वोवल आया है। साथ के साथ आप सभी को इनके मीनिंग भी नोट करने हैं, ताकि लंबे समय तक आप इन सभी वर्ड को याद रखो। ठीक है, इसी में एक वर्ड और आता है अपना ट्री। ट्री के भी लास्ट में बच्चों क्या है? डबल ई आया है। ठीक है, और ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है? जैसे कि यह हमारा रेडियो। रेडियो, रेडियो के लास्ट में भी देखो बच्चों दो वोवल एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, और जैसे कि कुकू। कुकू क्या होती है? मीनिंग पता है आप सभी को? कुकू मीन्स क्या होता है बच्चों? जल्दी से कुकू का मीनिंग बताए भी, क्या होगा और इसका प्लूरल भी बना के बताए। कुकू मीन्स क्या होता है? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, पता है सभी को कुकू मीन्स क्या होता है?
जल्दी से बताएं भाई इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग पता है क्या आप सभी को? कुकू मीन्स क्या होता है? जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर बताता है, कुकू का मीनिंग क्या होता है। चलो ठीक है भाई, कुकू मीन्स देखो बच्चों क्या होता है, कोयल। कुकू मीन्स क्या होती है? कोयल। और इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुकूज। ठीक है भाई, दीपांशु ने सबसे पहले आंसर बताया भाई, कुकू मीन्स क्या होती है? कोयल होती है। वेरी गुड दीपांशु, शाबाश। साक्षी दैया वेरी गुड, ओजस वेरी गुड, प्रिंस वेरी गुड भाई। सरोज फ्रांट के नाम से कौन है, अपना नाम बताए भाई। अब देखो भैया हमारा नेक्स्ट रूल करते हैं, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? दो और हम करेंगे अभी रूल, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे ध्यान लगाकर बने रहे वे वीडियो के साथ। तो देखो ऐसे नाउन कितने रूल हो चुके हैं, तो सेवंथ हमारा रूल आता है बच्चों ये, कि ऐसे नाउन जिसके लास्ट में, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में एफ या एफ ई आए, एफ या एफ ई आए, ऐसी नाउन जिसके लास्ट में मयंक धारेड़ू। ओके बेटा, ऐसी नाउन जिसके लास्ट में एफ या एफ ई हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए दोबारा से देखो बच्चों, ऐसी नाउन जिसके लास्ट में क्या आया हो, एफ या एफ ई आया हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हम वी में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बच्चों? वी में बदलेंगे, और उसके लास्ट में क्या लगाएंगे भाई? ई एस का यूज करेंगे, ठीक है? एफ और एफ ई को किस में चेंज करना है? चेंज के लिए मैं यहाँ पर एरो का साइन बना रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखें। चेंज के लिए मैं यहाँ पर एरो का साइन बना रही हूँ, चेंज करेंगे किस में चेंज करेंगे बच्चों? वी में। किस में चेंज करेंगे? वी में। और उसके साथ क्या लगाएंगे, और उसके साथ क्या ऐड करना है हमें? ई एस यूज करेंगे, ठीक है? ई एस यूज करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या होंगे, जैसे कि हमारा सबसे पहला वर्ड है जो कई बार एग्जाम में हम खुद भी देते हैं, काफ। काफ मीन्स क्या होता है? बछड़ा। अब सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखो भाई, यहां पर जो लास्ट में क्या आया हुआ है, एफ आया है, और इससे जस्ट पहले क्या है भाई? एल है, कॉन्सोनेंट है। अब इसका जल्दी से बताएं भाई, अगर एफ आया है तो एफ को हम किस में बदलेंगे? वी में बदलेंगे, और प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? ई एस लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? काल्व्स। क्या बनेगा भाई? काल्व्स। वेरी गुड भाई, वेरी गुड सभी बच्चों को। अगला देखो भाई, अगला जल्दी से बनाए। एल्फ मीन्स क्या होता है, मीनिंग और प्लूरल, जल्दी से आप सभी को दोनों बताने हैं। एल्फ मीन्स क्या होता है? ई एल एफ। एल्फ मीन्स क्या होता है और इसका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताएं। ई एल एफ जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, इसका मीनिंग भी बताएं और इसका प्लूरल भी बताओ जल्दी से सभी। हाँ, प्लूरल एल्व्स ही बनेगा। मीनिंग क्या होगा बच्चों? मीनिंग भी बताओ जल्दी से। पता है आप सभी को मीनिंग क्या होगा इसका? तो देखो बच्चों, इसका मीनिंग होगा परी। क्या होगा? परी, ठीक है? और इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ई एल वी ई एस, एल्व्स। तो जिन बच्चों ने एल्व्स आंसर भेजा है उनका बिल्कुल राइट है, सभी को वेरी गुड। अब देखो लीफ, लाइफ। देखो लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ। अब लाइफ में क्या हुआ है बच्चों? लाइफ का मीनिंग क्या होता है? जीवन होता है।
लाइफ का मीनिंग क्या होगा? जीवन। अब लाइफ में देखो बच्चों, एफ ई इकट्ठा आया है, एफ ई आया है, तो इसको भी किस में बदलेंगे हम? इसको भी किस में बदलेंगे भाई? वी में बदलेंगे। और प्लूरल बनाने के लिए इसके लास्ट में क्या लगाएंगे हम? ई एस लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा? लीव्स। ठीक है भाई, साक्षी दैया वेरी गुड, लकी एंजल शाबाश, प्रिंस रोहित, जितेंद्र, विराज, खुशी ऋषभ, साक्षी यश, मयंक देव, वेरी गुड भाई, शाबाश सभी को। अब एफ वाले सभी वर्ड आप कर लोगे ना। अब इसके अपवाद देखो भाई, इस रूल के अपवाद कौन कौन से होंगे वो सभी देखो आप। अपवाद में इसके कौन कौन से वर्ड आएंगे वो देखो, क्योंकि हमेशा पेपर में जो टफ होता है वही दिया जाता है। ठीक है, जो वर्ड टफ होता है हमेशा एग्जाम में वही दिया जाता है। जैसे कि है बिलीव, बिलीव, बिलीव मीन्स क्या होता है बच्चों? विश्वास। क्या होता है? विश्वास। उसके बाद आता है बच्चों चीफ, चीफ, चीफ मीन्स क्या होगा? मुखिया। चीफ का मीनिंग क्या होगा बच्चों? मुखिया। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे रूल के अगेंस्ट है कि इनके साथ हम एफ को वी में नहीं बदलेंगे और ई एस का यूज भी नहीं करेंगे। सिंगल एस लगेगा भाई इन सभी में। क्या लगेगा? सिंगल एस। जैसे कि हैंडकर चीफ है, रुमाल, मिस चीफ है, शरारत, हुफ है, हुफ, हुफ वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? खुर। जैसे कि एनिमल्स के होते हैं, हुफ मीन्स क्या होता है? खुर। एनिमल्स के जो पैर का नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसके भी क्या लगेगा बच्चों? सिंगल एस लगेगा, एफ को हम वी में नहीं बदलेंगे। प्रूफ वर्ड आता है किसी में, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ का मतलब क्या होता है? सबूत या प्रमाण, सबूत या प्रमाण। सेफ, सेफ का मीनिंग क्या होगा बच्चों? तिजोरी। क्या होगा? तिजोरी। ठीक है भाई, अब इन सभी वर्ड में क्या आएगा बच्चों? एफ को हम वी में नहीं बदलेंगे और वी ई एस का यूज नहीं होगा। अकेला क्या लगेगा? जो बच्चे आंसर भेज रहे हैं उन सभी को वेरी गुड। इन सभी वर्ड के साथ हम एफ को वी में नहीं बदलेंगे और ई एस का यूज नहीं होगा, सेम रहकर एस अकेला आएगा इन सभी के साथ। ठीक है, तो ये सभी वर्ड जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना सभी बच्चे साथ के साथ। ठीक है भाई, अगला देखो सभी। अगले दो रूल को मैं एक साथ कंबाइंड कर रही हूं अभी, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि नाउन का प्लूरल बीच के वोवल बदलने से बनता है, ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम एस या ई एस से प्लूरल नहीं बनाएंगे, उसके बीच के वर्ड को हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, बीच के वर्ड को चेंज करके प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, बीच के वोवल को बदल कर प्लूरल बनाना, ऐसे ऐसे वर्ड जिनको हम एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, उनके उन वर्ड के बीच के वर्ड को, बीच के एक अल्फाबेट को चेंज करके हम उसमें क्या बनाएंगे? उसको प्लूरल बनाएंगे। तो ऐसा देखो बच्चों, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है। इसी इसके जितने भी वर्ड मैं आपको बोर्ड पे नोट कराऊंगी वो सभी एग्जाम में आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भाई सभी के लिए। अब देखो सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा होगा इसमें? जैसे कि है मैन। क्या है मैन? मैन मीन्स क्या होता है बच्चों? आदमी। मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या बनाएंगे बच्चों? मेन।
कोई बात नहीं बच्चों, अभी देखो ये रूल तो करने ही पड़ेंगे बेटा, हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि एक्सरसाइज हम तब तक नहीं कर सकते जब तक ये वाला रूल नहीं होगा हमारा। तो मैन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ए का हम ई कर देंगे, ए का क्या कर देंगे ई, ठीक है भाई, मीन आएगा, वेरी गुड, जो बच्चे लिख रहे हैं शाबाश। अगला देखो फुट, अगला क्या है बच्चों, फुट, फुट मीन्स क्या होते हैं पाओ, जल्दी से सभी बच्चे इनका प्लूरल बना के भेजे। फुट का हम चेंज करेंगे इनके बीच के जो अल्फाबेट है इसका क्या होगा, फीट, क्या आएगा बच्चों फीट, टूथ, टूथ का देखो बच्चों क्या होता है, टूथ मीन्स क्या होते हैं दांत, टूथ मीन्स क्या होते हैं दांत, इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसके बीच के अल्फाबेट को चेंज करेंगे, टीथ क्या बनेगा टीथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, सभी बच्चे ध्यान से देखे भाई इस रूल को, हमेशा पेपर में इससे रिलेटेड जितने भी जो वर्ड मैं अभी लिखवाऊंगी वो सभी पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, और इनसे इनकी दोबारा आने की बिल्कुल पूरी संभावना है। अगला देखो बच्चों आता है हमारा गूज, क्या आएगा गूज, गूज मीन्स क्या होता है बच्चों, देखो हंस होता है, गूज मीन्स क्या होता है हंस, और इसका प्लूरल क्या होगा बच्चों गीज, प्लूरल क्या आएगा गीज आएगा भाई, ठीक है। अगला देखो भाई लोस, LOUSE, लोस, इसका मतलब क्या होता है जू, और जू का या लोस का प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा LICE, लीस, क्या बनेगा लीस। जो बच्चे अभी आंसर सेंड कर रहे हैं सभी बच्चों को वेरी गुड, शाबाश भाई, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो सभी के सभी। अगला देखो भाई, अगला क्या है हमारा माउस, अगला क्या आएगा माउस, माउस मीन्स क्या होता है, माउस का क्या मीनिंग होगा भाई चूहा, माउस का मीनिंग क्या होगा चूहा, और इसका प्लूरल करेंगे तो क्या आएगा माइस, प्लूरल क्या आएगा बच्चों इसका माइस आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड आपको बोर्ड पे नोट करवाए हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, सैनिक वाले, मिलिट्री वाले और गुरुकुल कुरुक्षेत्र वाले जितने भी बच्चे हैं इसको देख रहे हैं पेपर में बेटा, इन सभी में से ही आपका वर्ड जो है वो आएंगे, तो आप सभी जो है इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। अब देखो इन्हीं वर्ड से रिलेटेड, इन्हीं वर्डों को आगे पीछे जोड़कर कुछ और वर्ड बना दिए जाते हैं जो इसी में मैं आप सभी को लिखवा रही हूँ, जैसे कि चेयरमैन, चेयरमैन, इसके साथ हमने मैन वर्ड जोड़ दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है प्रधान, अब देखो भाई इसका मतलब क्या होता है प्रधान, अब इसी को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो जैसे हमने पहले किया था बीच के इस वर्ड को, इस अल्फाबेट को हमने चेंज किया था, तो इसमें भी वही करेंगे, चेयरमैन हो जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे कोई से भी वर्ड हो जिनके लास्ट में ये मैन वर्ड जुड़ा हो, जैसे कि वुमेन होता है, वुमेन, इसके लास्ट में भी क्या लगा है बच्चों मैन लगा है, तो मैन का जो ए है हम इसको क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, वुमेन मतलब क्या होता है औरत, वुमेन मीन्स क्या होता है बच्चों औरत, अब वुमेन का प्लूरल क्या आएगा जल्दी से बताएं भी सभी, यहाँ पर मैं इसका मीनिंग, इसका जो प्लूरल है वो नहीं लिख रही हूँ, जल्दी से बताएं वुमेन का प्लूरल क्या आएगा, जल्दी बताओ सभी, वुमेन का प्लूरल क्या आएगा जल्दी से बताएं भी सभी बच्चे, ठीक है, वुमेन का प्लूरल क्या आएगा जल्दी से बताओ सभी, तो सबसे पहले आंसर सेंड किया है भाई जितेंद्र, वेरी गुड, और सभी बच्चे जो आंसर सेंड कर रहे हैं सभी को वेरी गुड भाई, साक्षी दहिया, विराज, खुशी ऋषभ, साक्षी, यश, हर्ष, जितेंद्र, प्रिंस, शाबाश भाई सभी, मयंक, वेरी गुड भाई, वेरी गुड सभी को। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें, अब देखते हैं आप सभी ने कितना सीखा है वीडियो में, ठीक है।
सो प्लीज़ वीडियो के साथ आप सभी बने रहें, जल्दी से ही वीडियो जो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी एक्सरसाइज करते हैं कुछ, देखते हैं आप सभी ने कितना सीखा है इसमें। ठीक है भाई, देखो भाई हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है आज का वो क्या रहेगा। दीज, सभी बच्चे साथ के साथ नोट करते जाएं और आंसर बताएं भी। दीज डैश वर वेरी पॉपुलर, दीज डैश वर वेरी पॉपुलर। दीज डैश वर वेरी पॉपुलर। अब इसके ऑप्शन देखो बच्चों क्या क्या आएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है सिटी। क्या है? सिटी। ऑप्शन बी है बच्चों हमारा क्या? सिटीज, सिटीज। ऑप्शन सी बच्चों देखो क्या आएगा हमारा, कंट्री। और ऑप्शन डी क्या आएगा भाई? विलेज। तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं, इसमें आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ भाई। बस 5-10 मिनट और करेंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले जितेंद्र ने आंसर भेजा भाई सिटीज, और भी बच्चे जल्दी से आंसर बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। जितेंद्र वेरी गुड, साक्षी दया शाबाश, लकी एंजल वेरी गुड भाई। जितेंद्र, जितेंद्र के नाम से कौन है भाई जो ये 3 बार जितेंद्र नाम लिखा हुआ है, कौन बच्चा है एक बार अपना नाम बताएं। वेरी गुड विराज, मयंक, दीपांशु, दीपेश, हर्ष, खुशी, ऋषभ, अंकित, रोहित, हर्ष। वेरी गुड भाई सभी को। तो इसका आंसर देखो बच्चों, दीज मीन्स क्या होगा यहाँ पर, ये। और दीज जो है हम हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल के साथ यूज करते हैं। किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ। और यहाँ पर हमें देखना हमारा प्लूरल सिर्फ अकेला एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है? सिटीज है। क्या है? सिटीज। तो इसमें क्या आंसर आएगा भाई? सिटीज आंसर आएगा हमारा। ठीक है सभी बच्चों को, वेरी गुड जिनका आंसर ये था। अगला हमारा ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखो भाई सभी। सम डैश आर, सेकंड हमारा सेंटेंस है सम डैश आर ड्रिंकिंग वाटर। सम डैश आर ड्रिंकिंग वाटर। सम डैश आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फ्रॉम द पॉन्ड। सम डैश आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब इसके ऑप्शन देखो भाई सभी बच्चे एक बार, ऑप्शन देखे जल्दी से इसके क्या क्या है। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर फिश। क्या आएगा बच्चों? फिश। ऑप्शन बी देखो भाई क्या आएगा हमारा इसमें, डियर्स। ऑप्शन बी क्या आएगा बच्चों? डियर्स। ऑप्शन सी देखो बच्चों क्या होगा हमारा, डियर। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? सी क्या होगा बच्चों? डियर। और ऑप्शन डी है हमारा मैन या मीन। जल्दी से आंसर बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं भाई। लक्ष्य है, ओके भाई जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे जल्दी से बताएं। देखो बच्चों ये एक ट्रैप था आप सभी को फंसाने के लिए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा देखने में क्या लगते हैं हमें, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन होते क्या हैं? प्लूरल है। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, वो आप सभी को मैं लिखवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो, जो देखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या है, प्लूरल। तो डियर देखो, यहाँ पर डियर जो वर्ड है ये यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर होगा डियर्स जो है वो नहीं होगा, क्योंकि डियर वर्ड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, डियर जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डियर आएगा। जैसे कि हमारा टोंग टोंग होता है, सीजर होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स होता है, देखने में वो क्या लगते हैं सभी, जैसे कि हमें प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। तो ऐसे जो वर्ड हैं कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला देखो भाई, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डियर आएगा, डियर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, डियर आएगा, डियर्स नहीं आएगा। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें भाई, ऐसे कुछ वर्ड जो देखने में क्या लगते हैं हमें, सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते हैं क्या है, प्लूरल है। अब नेक्स्ट देखो भाई, तीसरा हमारा सेंटेंस क्या होगा, सलमान खान इज ए, फेमस डैश। अब इस डैश में आप सभी को फिल करना है क्या आएगा, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, मैं आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन दे रही हूँ। नंबर ए पे या ऑप्शन ए हमारा है एक्ट्रेस, क्या होगा बच्चों, एक्ट्रेस। ऑप्शन बी है बच्चों एक्टर। ऑप्शन सी होगा बच्चों क्या, एक्टर्स। तीन ऑप्शन है आपके पास, या फिर ऑप्शन डी है क्या, डायरेक्टर, जल्दी से बताएं भाई। आंसर बताएं भाई, क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आंसर दिया है किसने, लकी एंजल जितेंद्र, वेरी गुड भाई, जितेंद्र ने पहला नंबर ले लिया है अब सभी से। तो सभी बच्चे जो है पहले नंबर पे आंसर सेंड कीजिए, अगर ये सबसे पहले जितेंद्र का है, फिर लकी एंजल, साक्षी दहिया, रोहित, प्रिंस, नव्या, खुशी, ऋषभ, लक्ष्य, वेरी गुड भाई, शाबाश। क्या आएगा इसमें बच्चों, एक्टर आएगा, क्या आएगा, एक्टर, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हम सिंगुलर नाउन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एक्टर आएगा, एक्टर्स या एक्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। जो बच्चे आंसर गलत गलत, तो देखो किसी ने भी नहीं किया, कॉपी पेस्ट मत किया करो भाई, सभी बच्चे अपना दिमाग यूज करके आंसर सेंड किया करो, ठीक है। बाद में जो सबसे लास्ट में जो सेंड करता है, इसका मतलब उसने चीट किया है, जल्दी से जल्दी अपने आंसर सेंड किया करे भाई सभी बच्चे। अब देखो भाई, हमारा अगला सेंटेंस क्या होगा, वी शुड, शुड का मीनिंग बच्चों होता है चाहिए, शुड का मीनिंग क्या होता है, चाहिए। वी मीन्स क्या होता है, हम। ड्रिंक मीन्स क्या होगा, पीना। वी शुड ड्रिंक अलोट ऑफ, लोट मीन्स बहुत अधिक, अलोट ऑफ डैश, हमें ज्यादा पीना चाहिए। आ देखो ऑप्शन है हमारे पास, वोटर्स या ऑप्शन बी वाटर, जल्दी बताएं भी क्या आएगा। हाँ हिल लिया, जल्दी बताएं भाई सभी, अगला देखो भाई, लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का, इसमें देखो क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन बी आएगा, वाटर आएगा, ठीक है, लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, जल्दी से आंसर बताएं भाई सभी इसका। देयर वर
देयर वर फोर डैश, ये सेंटेंस जो है दिमाग यूज करने वाला है, देखते हैं सबसे ज्यादा दिमाग जो है वो किस बच्चे का चलता है। देयर वर फोर डैश इन द रूम, इन द रूम। ऑप्शन देखें भाई सभी, ऑप्शन ए, देखते हैं सबसे ज्यादा शार्प माइंड जो है वो कौन सा बच्चा है। हाउसेस, ऑप्शन बी है हमारा सिटीज, ऑप्शन सी है भाई बिल्डिंग्स, और ऑप्शन डी है भाई बॉय। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताएं भाई सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको एक्सीलेंट मिलेगा, जल्दी से बताएं भाई। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से इस सेंटेंस का आंसर क्या आएगा। देखो भाई सेंटेंस क्या है, देयर वर फोर डैश इन द रूम, देयर वर फोर डैश इन द रूम। अब इसमें हमें बताना है कि कमरे में चार हैं, क्या है। हाउसेज मीन्स घर हैं, शहर हैं, बिल्डिंग मीन्स इमारतें हैं, या लड़के हैं। जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताएं सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। देयर वर फोर डैश इन द रूम, रूम मीन्स क्या होता है बच्चों, कमरा। कमरे में है चार हैं, क्या है, घर हैं, शहर हैं, बिल्डिंग्स हैं, या फिर बॉयज हैं। तो देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बॉयज आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा इसका, क्या आएगा बच्चों, बॉयज। कमरे में क्या है, चार लड़के हैं। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी बच्चे वीडियो को, अगर आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक जो अच्छे से समझ में आया हो, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। थैंक यू भाई सभी को, गुड नाइट सभी बच्चों।